दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई एनिमे फिल्म जिसका नाम है अल्टर्ड कार्बन रिसिल्ट। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्पिन ऑफ है नेटफ्लिक्स पर ही आने वाले शो अल्टर्ड कार्बन सीजन 1 और सीजन 2 का। तो जिन लोगों ने वो शो को नहीं देखा, मैं बोलूंगा भाई जाके वो शो देखो, इस एनिमे फिल्म से ज्यादा अच्छी है। ये एनिमे फिल्म आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी। हालांकि ये सिर्फ 1 घंटे 14 मिनट की, लेकिन मैं जब ये इसको देख रहा था तो एक्शन सीक्वेंस के अच्छे, लेकिन जो कहानी की बात करूं तो कहानी एकदम फ्लैट है, कुछ भी दम नहीं। और जो फील आपको वो सीरीज देखकर आता ना, ये फिल्म देखकर नहीं आता है। मैं पर्सनली अल्टर्ड कार्बन यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने काफी डिटेल में सीजन 1 और सीजन 2 का रिव्यू किया था। अगर आप लोग ने नहीं चेक करे तो आप लोग इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, वो आप लोग चेक जरूर करना। फिर आप लोग मुझे बताना कि भाई मैंने उसका रिव्यू कैसा किया था। खैर, इस एनिमे फिल्म की बात करो तो ये ठीक ठाक है। ये उन लोगों को अच्छी लगेगी जिन लोगों ने अल्टर्ड कार्बन सीजन 1 या सीजन 2 नहीं देखे, उन लोगों को ये अच्छी लगेगी। लेकिन जिन लोगों ने वो सीजन देखे ना, तो ये आपको मजा नहीं आएगा। खैर, मैं आपको इस एनिमे फिल्म की कहानी बता दूं। कहानी शुरू होती है टकेशी कोवेक से। टकेशी कोवेक एक तरीके का सोल्जर, एक तरीके का ऐसा इंसान है जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन पानी कम चाहिए। और यहाँ पर आपको एक ऐसा फ्यूचर वर्ल्ड देखने को मिला जहाँ पर इंसान लोगों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू जीने का क्या अमर होने का तरीका ढूंढ लिया। वो तरीका क्या है वो तो आप इस फिल्म में देख लेना। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और टकेशी कोवेक को एक मिशन सौंपा था। वो मिशन ये है कि उसको एक टैटू गर्ल, उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े तो उसको भी बचाना, साथ साथ उसको एक मिशन दिया गया, एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना है। तो क्या वो उस लड़की को बचा पाएगा, वो मर्डर मिस्ट्री भी सॉल्व कर पाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है अल्टर्ड कार्बन रिसिल्ट। अब आपको मैं बताता हूं ये मुझे कैसे लगी। तो यार, मुझे ये एवरेज लगी। अगर आप लोग इसे देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। कुछ भी ऐसी खास नई यूनिक बात मुझे पर्सनली फील नहीं हुई। जो यहाँ पर सब एकदम कॉमन सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेकर्स लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस एनिमे फिल्म को बना दिया, क्योंकि अल्टर्ड कार्बन सीरीज उनकी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। इस वजह से नेटफ्लिक्स वालों कुछ एनिमे फिल्म बनानी थी, तो वो लोग सोचे क्यों ना अल्टर्ड कार्बन का एक स्पिन ऑफ बना दे एक एनिमे में, तो शायद लोगों को पसंद आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैक्सिमम ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आप लोग चाहो तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका चैनल है और कमेंट सेक्शन आपका है। आप गाली भी दे सकते हो, आप प्यार भी कर सकते हो, और आप लोग मेरे इस वीडियो की लिंक को शेयर भी कर सकते हो, और आप अपना प्यार मुझे बताओ यार कमेंट करके। मैं तो आपके सारे कमेंट का जवाब देता हूं। तो अगर आप इस स्पिन ऑफ को देख चुके ऑलरेडी, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे शेयर करो जल्दी जल्दी। सिर्फ टाइप तो करना है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइप करो ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं जवाब देता हूं आपको, जवाब मिलेगा। और मुझे अगर आपके कमेंट पसंद आएंगे तो मैं आपके अगले वीडियो में आपका नाम भी लूंगा। अगर नाम नहीं भी लेता आपको वहां पर हार्ट तो जरूर दूंगा भाई। तो बस यार, इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, स्टेटस पे रख सकते हो, और प्लस फेसबुक पे भी डालो, इंस्टा पे भी डालो, जहां पर मर्जी आप इस वीडियो को शेयर करो। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।